बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सत्ता पास होती है तो इंसान की आंखें चौंधिया जाती हैं, फिर उसे छोटा बड़ा कुछ नहीं दिखता। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब किसी नेता ने सत्ता के नशे में चूर होकर कानून का बेहुदा मजाक उड़ाया हो, ऐसे मामले अक्सर आते रहते हैं। लेकिन ऐसा ही एक मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां पर बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति के पास बाइक के कागज न होने पर चेकिंग के समय पुलिस ने नेताजी का चालान कर दिया। बस फिर क्या था, नेताजी भी कहां कम रहने वाले थे, एक तो पद और दूसरा सूबे में सत्ता का नशा। नेताजी वहां मौजूद सीओ श्रेष्ठा सिंह से भिड़ गए। मैडम सीओ ने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन नेताजी पर तो अपनी सफेद पोशी का गुरूर था, नेताजी भी बराबर हंगामा करते रहे। जब इस बात की जानकारी नेता के चमचों को हुई तो उन्होंने भी जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हंगामा करने वाले नेताओं को अरेस्ट कर लिया है। कुछ नहीं, मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला क्या चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ, तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। क्या बता रहे, किसके नेता है कार्यकर्ता? भाजपा के। लेकिन ये घटना योगी के उस वादे को ठेंगा दिखाती है जिसमें योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते थे और सूबे की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का सपना दिखाकर यूपी की सत्ता में आए थे। लेकिन अगर योगी राज में पार्टी के नेता इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो इस सरकार और पहली सरकार में कोई फर्क नहीं बचेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।